मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। और अब तो एक बच्चा भी अचानक बड़ा हो रहा है। MNS अचानक से उसको क्या मालूम क्या हो जाता है, अचानक रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ते हैं, मस्जिद में लाउडस्पीकर क्यों है, अजान देने के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत है, तेरे को क्या करना है भाई। अबे 1400 साल से अजानें दी जा रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है, रुकने वाले नहीं है। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना, डरते नहीं किसी से भी, डर नहीं है किसी के बाप का भी। अरे हमारी अजान, अरे कभी सुन के तो देख ले मेरे भाई, मालूम पड़ेगा क्या मिठास है। बांगी की आवाज तो सुन ले पूरी, तू बोलेगा रोज बजाओ, मेरे घर के बाहर बजाओ, मेरे घर के अंदर बजाओ। हमारी एक मिनट की अजान तुमको इतनी भारी पड़ गई, रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? अरे क्या मुझे आपको शौक है क्या रस्ते पे नमाज पढ़ने का? अरे क्या शौक है क्या हमको ये बारिश में धूप में रस्ते में नमाज पढ़ने का शौक है क्या हमको? अरे जगह नहीं है भाई, इसलिए पढ़ते हैं मजबूरी में। ये तुमको तकलीफ हो गई? जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब तुम्हारे गुंडे रस्ते में उतर उतर के ट्रैफिक को रोकते हैं, लोगों को मारते हैं, ठेले वाले को मारते हैं, पूरी मुंबई महाराष्ट्र का अस्त व्यस्त करते हैं, जब तकलीफ नहीं हुई, हमारी अजान से तकलीफ हो गई? अरे जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब कासिम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बचाओ, जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब रकबर बोल रहा था मैं बेकसूर हूं मत मारो मुझे, जब तुमको तकलीफ नहीं हुई और हमारी अजान से तुमको इतनी तकलीफ हो गई, हमारी नमाज से इतनी तकलीफ हो गई, सियासत के पहले ये इसी तरह की ओछी हरकत करेगा सबको पता था, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी बोलता हूं, आगे भी बोलूंगा, बुझा हुआ दिया है, बुझा हुआ दिया हमारे रिलीजन मैटर में इंटरफेयर करेंगे। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारा तो वो देश है, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है हमारा देश, हम तो हर त्योहार मनाते हैं, तुम्हारी महाआरती चलती है जब रस्ते पे घंटियां बजाते हैं, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, अपन लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं भाई। अरे गणपति के फेस्टिवल में 10 दिन तक रस्ते पे ट्रैफिक, ढोल बाजा सब बजता है ना, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते ना भाई, फिर तुमको क्या ऑब्जेक्शन? बंद करो अपनी ये गंदी सियासत और बंद करो अपनी ये गंदी राजनीति, क्योंकि अब तो मेरा मराठी माणूस भाई भी समझ गया है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवा बोलने के। मुसलमानों के खिलाफ बोलो या से वोट लो, मुसलमानों को गाली दो या वोट लो, लेकिन आप गाली दोगे तो यहां भी लात खाओगे, पब्लिक भी लात मारेगी, सब लात पड़ेगी। जनता जनार्दन है भाई, ये पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है।